हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आजकल गर्मियों में जो हमारे प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है और कुछ प्लांट तो हार्डी हैं जो कि समर में बहुत अच्छे से चलते हैं। तो आज एक ऐसे ही प्लांट लाई हूँ जो हम सभी का प्यारा है, सभी को बहुत पसंद है। तो ये है रोज़ का प्लांट, जिसकी केयर टिप्स मैं आपसे शेयर करी हूँ। और अगर आपके प्लांट्स भी इस तरह से मर रहे हैं, देखिए मेरा ये प्लांट काफ़ी बुरी हालत में हो चुका है, तो इसके लिए हमें क्या करना है आज यही आपसे शेयर करी हूँ इस वीडियो में। तो आप भी अगर अपने प्लांट्स को इस तरह से बचाना चाहते हैं, इस कंडीशन में वो आ गया है, तो कैसे क्या करें वो मैं आपको आज दिखा रही हूँ कि कैसे आप इसको ठीक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं प्लांट की प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये हुई है फ्रेंड्स कि ये ओवर वाटरिंग का शिकार है प्लांट। देखिए, ओवर वाटरिंग जब होती है तो हमारी प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो इस तरह से गिर चुकी हैं और इसमें ग्रोथ भी नहीं हो रही है, प्लांट की ग्रोथ रुक गई है। अंडर वाटरिंग से भी प्लांट बहुत ख़राब होते हैं। अंडर वाटरिंग में हमारी जो पत्तियां हैं पूरी तरह भूरी हो जाती है, गिरने लगती हैं, प्लांट मरने लगता है। लेकिन अभी इसमें ग्रीनरी बाकी है तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसे बचाने की। तो देखिए, ओवर वाटरिंग का शिकार जब प्लांट है तो आपको हमेशा उसमें 2-3 दिन की गैप में हमेशा इस तरह से गुड़ाई करिए, जिससे कि जितना भी प्लांट में ओवर वाटरिंग हो गई है, कभी आजकल जो बारिश हो रही है उससे भी हो सकता है, या हमारे देने के तरीके से। क्योंकि हम सोचते हैं गर्मी में हमारा प्लांट बार बार जैसे ही मिट्टी सूखता है, तो कुछ लोग मॉर्निंग और इवनिंग की बजाय बीच बीच में भी वाटरिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट डिस्टर्ब होते हैं, उनकी रूट सड़ जाती हैं। जब ओवर वाटरिंग का शिकार होता है प्लांट, तो देखिए रूट ही सड़ गई है तो वो कैसे ग्रो करेगा। जितनी हेल्दी रूट्स होंगी उतने ही हेल्दी प्लांट्स होते हैं। तो रूट्स को हमें इस तरह से एयर उसमें नहीं जा रही है तो इस तरह से गुड़ाई करके उसको मतलब हवा लगेगी तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, सांस ले पाएगा पौधा एक तरह से। तो इस तरह से अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग दोनों से ही हमें अपने प्लांट्स को बचाना है। दूसरी बात है प्लांट, जो गुलाब का प्लांट होता है फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई चाहिए, क्लीनिंग चाहिए, ये बिल्कुल गंदगी में नहीं पनप पाता है। तो जब हमारा प्लांट इस तरह से, आप देखोगे कि इस तरह से सड़ी सड़ी सी, ये देखिए स्पॉट वाली पत्तियाँ हो रही हैं, तो ये फंगस का शिकार भी होता है। क्योंकि गुलाब के प्लांट में हमेशा आप देखोगे बहुत जल्दी फंगस पकड़ता है। अगर पत्तियाँ इस तरह से वाइट वाइट सी हो रही हैं गंदी, तो आप इनको तुरंत रिमूव कर दीजिए। और इन पत्तियों को अगर हम रखेंगे तो हमारा प्लांट बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से इन सड़ी गली पत्तियां आप देख रहे हैं, स्पॉट है, तो इनको आप देखते रहिए, कोई वीड्स ना उगे। आप देख रहे हो कि वीड्स बिल्कुल नहीं उगा हुआ है। और एक बात और फ्रेंड्स, ओवर वाटरिंग तो हमें नहीं करना है, लेकिन हमारे प्लांट्स में हमेशा पूरी तरह से मिट्टी इस तरह से सूखने नहीं देनी है हमें, हमें थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना होता है। और प्लांट के जो साइन होते हैं, देखिए अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग के यही लक्षण हैं। जब हमारा प्लांट ओवर वाटरिंग का शिकार होता है तो आप देखिए साइड साइड से पत्तियाँ आधी आधी सी जल गई हैं, आधी आधी ग्रीन हैं। तो यही, जब ये कंडीशन आपके प्लांट की हो जाए तो आपको पानी बहुत सोच समझ के देना चाहिए। पहली बात तो इसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, हम आजकल फ्रेंड्स पूरी कोशिश करें कि आप केमिकल खाद का बिल्कुल यूज़ ना करें प्लांट्स में, क्योंकि बहुत गर्मी भी हो रही है और इस गर्मी में अगर आप प्लांट्स में केमिकल खाद का यूज़ करेंगे तो प्लांट्स, उनको बहुत ज़्यादा हीट होती है उनमें, तो इनका यूज़ आप ना करें। आप इस तरह से फर्टिलाइज़र मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये है नीम की खली, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और ये हमारा है एप्सम सॉल्ट, तो मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट से न्यू रूट्स बनने में, डेवलप करने में मदद करता है और साथ ही साथ प्लांट को भी नया एनर्जी देता है। तो इसका मैं अक्सर आपको स्प्रे भी दिखाती हूँ, बताती रहती हूँ कि प्लांट को डेवलप करने में ये बहुत मदद करता है। तो एप्सम सॉल्ट भी ऑर्गेनिक में आता है, ये कोई केमिकल खाद नहीं है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी इनके देने का तरीका। तो देखिए, अगर अंडर वाटरिंग का प्लांट शिकार है हमारे, तो हमें इसमें ज़्यादा वाटरिंग का तो पूरा पूरा ख्याल रखना है। जब तक मिट्टी ना सूखे आप बिल्कुल प्लांट पर पानी मत दीजिए। और अगर कड़ी धूप में प्लांट रखा है तो उसे ऐसी जगह प्लेस कर दीजिए फ्रेंड्स कि 4-5 घंटे की ही बस उसको मॉर्निंग की धूप लगे, मतलब उसके बाद 12 के बाद उसको धूप ना लगे। बहुत ज़्यादा धूप में आप रखोगे तो प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और आजकल जो रेनी सीज़न बीच बीच में आ जाता है ना, रेन होने लगती है, तो बारिश में आप इसको रखिए, बहुत ज़्यादा भी जाता है तो बारिश का जो पानी है वो हमें नुकसान हमारे प्लांट्स को नहीं करता है, बल्कि हमारे पानी देने का जो तरीका है वो नुकसान करता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने, ये देखिए आप, मेरा 15 इंच से ऊपर प्लांट है, गमला है, तो इसको मैं इस तरह से नीम की खली देकर आपको दिखाऊंगी।
नीम की खली आप इस तरह से दे दीजिए, इससे आपके प्लांट में अंडर वाटरिंग से जो रूट्स सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं, उसमें आपको आपके प्लांट को काफ़ी राहत मिलेगी और ये सारी फंगस को ख़त्म करता है। तो नीम खली एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, वो रूट्स को भी डेवलप करता है, साथ ही साथ हमारे प्लांट को भी नई एनर्जी देता है। यहाँ पर एप्सम सॉल्ट का भी हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। ये लिक्विड में मैं इस तरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही सॉलिड में कर रही हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि हमारे प्लांट को और ओवर वाटरिंग ना हो। और लिक्विड में हम अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर मैं आपको इस तरह से मैंने इसको दे दिया है। अगर मिट्टी आप सूखने पर देते हैं तो आप इसको पानी में मिलाकर दे सकते हैं, जिसे मैंने कई बार आपको अपने वीडियोस में दिखाया है। और मेन कारण है फ्रेंड, देखिए फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं पत्तियाँ। जब हमारे प्लांट्स पे लीफ ही नहीं है, ये देखिए सारी लीफ ये खो चुका है प्लांट, तो जब लीफ ही नहीं है तो प्लांट अपना खाना बनाए तो बनाए कैसे और अपने प्राण बचाए कैसे। तो इसके लिए आप इसको इस तरह से फर्टिलाइज़ करिए, पानी का पूरा ख्याल रखिए। अगर बारिश होती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत बारिश तो इससे अच्छी है, बारिश का पानी इनको लगता है तो ये अच्छे होते हैं। लेकिन आप इस तरह से देकर देखिए, आपके प्लांट ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। अगर आप अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग का आपका प्लांट शिकार हुआ है तो आप इसको डाई बैग की फिर प्रॉब्लम होती है, हमारा प्लांट हम खो देते हैं। तो आप इसको बचाने की ये लास्ट कोशिश ज़रूर करिए फ्रेंड्स। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मेरा भी देख रहे हैं एक प्लांट इस तरह से ख़राब हो गया है, और आप इस तरह से देख सकते हैं मेरा दूसरा प्लांट, इसमें मैंने आपको अभी लीफ ये रिमूव कर दी दिखाई है, तो इसमें मेरे इसमें फंगस की प्रॉब्लम हो रही है। तो फंगस की प्रॉब्लम के लिए आप हमेशा रोज़ प्लांट को कभी ये इंतज़ार मत करिए फ्रेंड्स कि मेरा ये प्लांट ख़राब हो रहा है, या हम ये इसको ध्यान नहीं ये नहीं सोचेंगे कि इसमें फंगस लगे तब हम इसमें फंगीसाइड डालें। नहीं, हर 15 दिन में आपको ये मेरा साफ का फंगीसाइड जो मैंने पानी में लिया हुआ है इसको डाल देंगे। फंगीसाइड डालने से हमारे प्लांट में जो भी फंगस लग रही होगी वो दूर हो जाएगी। आप नीम की खली भी यहाँ पर दे सकते हैं, इसको सॉलिड में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप इस तरह से मैंने फंगीसाइड दिखाया लिक्विड में, दोनों तरह से आप दे सकते हैं, दोनों का एक ही काम है। और ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक खाद ही आप दीजिए और आपके सारे प्लांट्स अच्छे हो जाएंगे। इनको बीच बीच में रोज़ प्लांट को क्या फर्टिलाइज़र वगैरह देना है वो भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और लिंक मैं डाल दूंगी, अगर आपको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपका प्लांट इस तरह की हालत में हो रहा है तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ मत करिए इसको, और इसको टाइम दीजिए थोड़ा सा, पानी का हमेशा ध्यान रखिए, साथ ही साथ मैंने जो बताया नीम की खली और हमारा ये एप्सम सॉल्ट, इन दोनों को आप देकर देखिए, आपका प्लांट ज़रूर अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ओवर वाटरिंग में हमारा जो प्लांट है वो जल्दी ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल है ये प्रोसेस, लेकिन कोशिश करके हम ज़रूर देखेंगे कि हमारा प्लांट शायद बच जाए। क्या होता है कि हमारा प्लांट डाई बैक कर जाता है, जो इसकी रूट्स हैं ये गल जाती हैं, जब रूट्स ही गल जाती हैं प्लांट किसी भी प्लांट का जो मेन उसका जो स्टेम्प है वो तो रूट्स से ही वो खड़ा है, और अगर रूट्स ही गल जाएंगे तो वो कैसे ग्रो करेगा। लेकिन अगर हमने अभी समय पर इसको, जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी ग्रीन है, पूरा ब्लैक और ब्राउन सा नहीं हुआ है प्लांट, तो शायद इसको हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और शायद ये बच भी जाए। लेकिन अगर हम इसको और लेट करते हैं तो ये हमारा प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अगर ये जाता है ख़राब होता है तो इसको बचाना भी मुश्किल हो जाता है। यहीं पर अगर ओवर वाटरिंग का प्लांट है तो वो हमारा पानी डालने से धीरे धीरे हम उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन अंडर वाटरिंग का प्लांट थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने जो आपको आज ऑर्गेनिक दिखाए हैं ये फर्टिलाइज़र, ये आप ज़रूर दीजिए, एप्सम सॉल्ट और नीम की खली, साथ ही साथ आप हर 15 दिन में फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करिए फ्रेंड्स। और अपने प्लांट्स में आप अगर इस तरह से लीफ देख रहे हैं ख़राब सी, तो आप इनको ज़रूर हटाते रहिए। रोज़ प्लांट को हमेशा क्लीन, नीट एंड क्लीन रखिए, ये हमेशा नीट एंड क्लीन रहना ही पसंद करता है। सो फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा रोज़ प्लांट को लेकर, और मैंने लगभग सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं। इसको धूप के बारे में भी मैंने बताया, पानी देने का तरीका बताया आपको, और ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा जाएं फ्रेंड्स। समर में आप केमिकल खाद का यूज़ जितना हो सके, मैं तो नहीं करूँगी, जितना हो सके आप भी मत करिए। केमिकल खाद का यूज़ हमें गर्मी में नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें बहुत हीट होती है, साथ ही साथ हमारी मिट्टी को बहुत ही ख़राब करते जाते हैं। जो हम ऑर्गेनिक मैटर सब यूज़ करते हैं इसमें, वो हमारी मिट्टी को फर्टिलाइज़ करता है, जबकि जब हम केमिकल खाद का यूज़ करते हैं हमारी मिट्टी को बेजान बनाता है और ख़राब करता चला जाता है। तो आप इस तरह से अपने पौधों और मिट्टी दोनों को ध्यान रखते हुए केमिकल खाद का मत यूज़ करिए और ऑर्गेनिक का ही यूज़ करिए। सो बाय बाय फ्रेंड्स, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, और अपने गार्डन का और अपना ख्याल रखिए। सो बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।